जापान के मियाकेजिमा आइलैंड को दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला आइलैंड माना जाता है। इस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग हमेशा गैस मास्क लगाकर रखते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस आइलैंड पर साल 2000 में एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें लावा के साथ बड़ी मात्रा में जहरीली गैस भी निकली थी। इस विस्फोट के बाद आइलैंड को खाली करवा दिया गया, लेकिन वहां के लोगों के आग्रह पर सरकार ने 2005 में वापस आइलैंड पर रहने की परमिशन दे दी। साथ ही 24 घंटे गैस मास्क लगाने की चेतावनी भी दी, क्योंकि आज भी इस आइलैंड पर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। इस आइलैंड को गैस मास्क टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।